देश के बड़े महानगर मुंबई की तर्ज पर भाखड़ा विस्थापितों के शहर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा इकोवेरियम बनेगा। इस बाबत कार्य योजना तैयार की जा रही है। बिलासपुर शहर के समीप एक हेक्टेयर एरिया चयन को लेकर बकायदा कवायद शुरू हो गई है। उपयुक्त जमीन चयन के बाद 25 से 30 करोड़ लागत से तैयार की जाने वाले इस मेगा इक्वेरियम को सिरे चढ़ाने को लेकर मत्स्य विभाग द्वारा प्रपोजल तैयार कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अहम बात यह है कि इस इक्वेरियम के बन जाने से न केवल बिलासपुर में टूरिज्म निखरेगा बल्कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। अभी तक प्रदेश में कहीं भी मेगा इक्वेरियम नहीं है। मेगा इक्वेरियम की स्थापना को लेकर बिलासपुर में योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। बिलासपुर में मत्स्य निदेशालय कार्यालय है और गोविंद सागर में मत्स्य आखेट से 2500 से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं। इसीलिए बिलासपुर में मेगा इक्वेरियम निर्माण की योजना बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए 10 से 12 बीघे जमीन की दरकार है। ऐसे में मीटिंग में निर्णय लेने के बाद बिलासपुर शहर व आसपास के क्षेत्र में उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। जैसे ही जमीन का चयन किया जाएगा तो उसके बाद मत्स्य निदेशालय के अफसरों की टीम प्रोजेक्ट स्थापना को लेकर प्रपोजल तैयार करेगी, जिसे स्वीकृत के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। MLA सुभाष ठाकुर ने बताया कि वह खुद मुंबई गए थे, जहां उन्होंने मेगा इक्वेरियम को निहारा। इसी तर्ज पर अब मुंबई में मेगा इक्वेरियम निर्माण की योजना शुरू की गई है। इस इक्वेरियम में सजावटी मछली की 150 से 300 की लगभग प्रजातियां शोभा बनेंगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में टूरिज्म आकर्षण बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। न केवल पर्यटन विकसित होगा बल्कि स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हालांकि घागस में मत्स्य विभाग के पास उपयुक्त जमीन उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल बिलासपुर के आसपास जमीन की तलाश की जा रही है। यदि यहां उपयुक्त जमीन नहीं मिलती है तो फिर घागस में प्रोजेक्ट स्थापना को लेकर विचार किया जाएगा। बिलासपुर में जल्द ही पैराग्लाइडिंग की नेशनल प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी चल रही है। बंदला स्थित साइट को डेवलप करने के लिए योजना पर काम चल रहा है और साइट तक सड़क के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के साथ सहमति बनाई जा रही है। व्यवस्था सही होने पर यहां नेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में शेड्यूल तैयार किया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और यहाँ कृत्रिम झील के लिए हमने प्रस्तावित किया है। तो यह सारी चीजें बिलासपुर जिला हेडक्वार्टर में हो, जिला में हो, एंगलिंग का एक नया और कंसेप्ट आया है, तो इसकी भी स्पोर्ट्स मीट इस बार ही करवाएंगे। ये तीन स्पोर्ट्स हम एडिशनल करवाएंगे। क्रिकेट तो यहाँ पर रणजी मैच भी होते हैं। इस तरह से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बंदला की धार से पैराग्लाइडिंग की हम स्पोर्ट्स मीट करवाएंगे और गोविंद सागर झील में एंगलिंग की एक स्पोर्ट्स करवाएंगे और यहां पर वाटर स्पोर्ट्स की ही इस गोविंद सागर झील में एक बड़ी हम एक प्रतियोगिता करवाएंगे और यहां पर मेगा एक्वेरियम का भी हमने एक प्रस्ताव भी रखा है कि यहां पर मेगा एक्वेरियम बने, वो एक हेक्टेयर में बनेगा, 25-30 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। इस तरह से लोग अट्रैक्ट हों, जो टूरिस्ट आए वो अट्रैक्ट हो और बिलासपुर जिला को हम टूरिज्म के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। ये जो हमारी कृत्रिम झील बनेगी, ये आली खड्ड का जो पानी आता है वहां पर उसको हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में डलवा के केंद्र सरकार से पैसा लेके उसको हम डेवलप कराएंगे। ये सारे बिंदु हैं जो बिलासपुर को टूरिज्म की दृष्टि से उसको अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पुराने मंदिर हैं उनको भी शिफ्ट करके हमने उसकी जगह चिन्हित की है। 8 करोड़ का बजट उसमें केंद्र से सैंक्शन हुआ है। जल्दी से उस पैसे को भी रिलीज करवा के इसको भी हम पूरा करना चाहते हैं। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, वहां पर भी हमारे लोग और बाहर से आने वाले लोग भी वहां पर पढ़ें, बैठें, जानकारियां लें। इस दृष्टि से हमने बिलासपुर जिला को टूरिज्म के मानचित्र पर आए, ये हमने प्रयास किए हैं। आने वाले दिनों में यह सब सफल हो, यह प्रभु से कामना करते हैं। और